वीवीए इसका फुल फॉर्म है विजुअल बेसिक फॉर एडिटर। एक चीज ध्यान रखिएगा, वीवीए कोई VV6 नहीं है या VV.NET नहीं है या VV स्टूडियो नहीं है। इन शॉर्ट मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि यार वीवीए की मदद से कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना सकता, EXE फाइल नहीं बनेगी। वीवी के जरिए जब भी होगी एमएस ऑफिस के अंदर हम कुछ ना कुछ टूल्स को ही डेवलप करेंगे। एमएस ऑफिस के अंदर कुछ ना कुछ टूल्स ही करेक्ट डेवलप होगा, अदरवाइज और कुछ नहीं हो सकता। ये पहले माइंड मेकअप कर लीजिए। तो वीवीए हमने एमएस ऑफिस का जिक्र किया, एक्सेल का जिक्र नहीं किया, क्योंकि वीवीए एमएस ऑफिस में वर्क करता है। वर्ड, पावर पॉइंट, आउटलुक, एमएस वर्ड, एक्सेस, इस सब पे वीवीए चलता है। तो वीवीए के जरिए हम क्या बनाते हैं? सबसे पहले माइक्रो। वीवीए अगर एक फैक्ट्री है, उसके प्रोडक्ट क्या है? माइक्रोज, फंक्शन और यूजर फॉर्म, मेजर तीन चीजें होती है इसमें। अब बोले सर माइक्रोज तो रिकॉर्डिंग होता है। कुछ लोगों के कंफ्यूजन होते हैं कि हम जो कोडिंग करते हैं दैट कॉल वीवीए, और जो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं दैट कॉल माइक्रोज। अभी कंफ्यूजन दूर कीजिए। रिकॉर्डिंग माइक्रोज एक टूल्स है जो आपके बिहाफ पे कोडिंग कर देता है, ठीक है? करेक्ट लेकिन जब आप खुद से कोडिंग करते हैं वो भी माइक्रोज ही बनता है, और रिकॉर्डिंग माइक्रोज भी माइक्रोज बनाता है। मैक्रो ही बनेगा। हाँ अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, जब रिकॉर्डिंग माइक्रो है जो मेरे बिहाफ पे खुद ब खुद कोडिंग कर देगा, तो फिर हम सीखें क्यों? टाइम, पैसा, एनर्जी क्यों वेस्ट करें? करेक्ट क्या तीनों चीज है ना इसमें? करेक्ट पैसा भी है, एनर्जी भी है। तो बेसिकली क्या है कि रिकॉर्डिंग माइक्रो आपको लिमिटेड एक्सेस देता है। रिकॉर्डिंग माइक्रो की मदद से आप रिपीटेशन नहीं कर सकते। मान लीजिए एक ही फाइल को मुझे 10 बार सेव करना, तो आपको 10 बार रिकॉर्ड करने होंगे। राइट करेक्ट वीवीए में आप लूप लगा दीजिए 100 बार के लिए, एक लाइन में 100 बार रिपीट हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी, कंडीशंस, कोई लॉजिक्स लगाना चाहते हैं, अगर ऐसा हो तो ऐसा ना हो, ऐसा हो तो ऐसा हो, तो उस केस में आपका वीवीए हम वीबीए यूज वर्क, करेंगे। कोडिंग वर्क करेगा, रिकॉर्डिंग माइक्रो इसमें वर्क नहीं करेगा। तीसरी यहां पे आता है आपकी कनेक्टिविटी। आप दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक क्लिक करूं 100 मेल चले जाए, एक क्लिक करूं 200 फोल्डर बन जाए, ऐसी चीजें रिकॉर्डिंग माइक्रो। जैसे अभी एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है जो कि एक क्लिक पे 12 फाइल के अंदर 365 शीट्स बनाता है डे के हिसाब से, एक फोल्डर में। जैसे कि एग्जाम्पल है कि मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जिससे डेटा मुझे पूरे साल का कॉपी करना है, और उस डेटा उसको सीट बाय सेग्रीगेट करना है। तो हमें पहले सीट बनाना है ताकि हम डेटा सेग्रीगेट कर सकें, ठीक है? तो न्यू फोल्डर में देखिए आपके सामने ब्लैंक है, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट टू करके ई ड्राइव में, हाँ डी टी, हाँ ये देखिए, ये बात दिख रहा है? 12 फाइल। हाँ मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इस सिंगल क्लिक पे आप देखेंगे कि ये मेरा घंटों का काम। सोच लीजिए कि आपको एक फाइल बनाना है, उसमें आपको 31 शीट ऐड करना है, फिर 1 से 31 से उसका नाम देना है, फिर फाइल को सेव करके क्लोज करना है, फिर एक और फाइल बनानी है जिसका नाम फरवरी देना है, फरवरी में 28 29 होता है पहले चेक करना है, और फिर उसमें 28 31 शीट ऐड करने, सबका नाम फिर 1 2 3 4 करके 28 31 तक देने, 28 29 तक देने, ऐसे आपको दिसंबर तक चलना है। तो आप कितना भी स्पीड वर्क करेंगे तो कम से कम 1 घंटे के आसपास लग जाएगा। करेक्ट इस काम को ये विद इन सेकेंड में करेगा। देखिए मैं रन कर दिया यहाँ से, अभी यहाँ पे देखिए रन शुरू हो गया, और आप अपने फोल्डर में जाके देखिए फाइल बनना शुरू हो गया, ठीक है? और ये रिकॉर्डिंग वाला मैक्रो है नहीं क्या नहीं हम रिकॉर्डिंग लोगों नहीं, ने लिया कोडिंग था? क्या हो? रिकॉर्डिंग ऐसा तो ये कर नहीं कोडिंग सकता, वाला। हाँ रिकॉर्डिंग ओके, ऐसा कर नहीं सकता। रिकॉर्डिंग तो का ये रिकॉर्डिंग का वो होगा, लिमिटेशन रहेगा कि हाँ हम लोग इतने रिकॉर्डिंग के लेवल लिए पर बनते लिखे हैं नहीं ऐसे, क्योंकि सकते। आपको पूरा काम करना पड़ेगा ना। करेक्ट, वो तो अभी तभी एक जाके वो काम कर रिकॉर्ड ही लिए करेंगे। तो फिर रिकॉर्डिंग का क्या फायदा होगा? एग्जैक्टली हाँ, वो दूसरा नेक्स्ट मंथ का नहीं क्रिएट कर दूसरा मंथ पाएगा। मान लीजिए कि आपका अगले साल लीप ईयर पड़ गया, फरवरी हो मंथ गया चेंज हो 29, जाएगा, फरवरी हो गया 29 दिन डेट का, रिकॉर्डिंग करेक्ट। माइक्रो। चौथा जो है रिकॉर्डिंग माइक्रो डायनेमिक नहीं होता है। डायनेमिक मतलब कि आपके सिचुएशन के हिसाब से अपना
चेंज नहीं नहीं करेगा करेगा। वो। जैसे डेटा आज अगर 100 आया है, कल 150 आएगा, तो ऑटोमेटिकली मेरा माइक्रो 150 पर चला जाए, ये रिकॉर्डिंग माइक्रो कंसीडर नहीं करता है। या फिर मैंने बोला कि डेटा को उठा के जा डालो सबसे लास्ट पे, तो ये चीज लास्ट तो हर बार चेंज होगा ना सर, हर दिन डेटा करेक्ट डालेगा लास्ट करेक्ट चेंज होगा, हाँ तो इस तरह की डायनेमिक जो है रिकॉर्डिंग माइक्रो नहीं होता। इसलिए हमने कोडिंग माइक्रो के जरिए लूप देखो, रिकॉर्डिंग माइक्रो कभी लूप नहीं लगाता है, कभी कंडीशन नहीं लगाता है, तो रिकॉर्डिंग माइक्रो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो करेक्ट आप चाह रहे हैं कि रिकॉर्डिंग माइक्रो से मेरा काम निकल जाए, तो मुश्किल है। अब क्वेश्चन आता है, तो फिर रिकॉर्डिंग माइक्रो का यूज क्या क्या यूजलेस है? मेरे हिसाब से यूजलेस नहीं है, हम इसका यूज करते हैं डिक्शनरी की तरह। जैसे फिल्टर लगाना है, फिल्टर लगाने का कोड भूल गया, या स्पेलिंग मिस्टेक कहीं कर हाँ रहा है, रिकॉर्ड किया चेक कर लिया, क्या पिवट लगा रहे हैं, पिवट में लंबा कोड है, हाँ लिखने गुड का मूड नहीं है, लगा लिया। अब कोई पर्टिकुलर चार्ट के किसी एक डिजाइन का कोड पता नहीं है, वो डिजाइन लगाया कोड पता कर लिया, हाँ समझ रहे? बेसिकली एक थोड़ा सा हमें हिंट मिल जाएगा कि हाँ, ये ऐसे भी हो डिक्शनरी डिक्शनरी सकता समझिए। जैसे हम लोग जब इंग्लिश सीखते थे, तो इतना मोटी एक स्पॉट डिक्शनरी दी, ये समझिए कि है। माइक्रो डिक्शनरी करेक्ट है। ओके करेक्ट अब माइक्रो का काम क्या है? ये जो आपने किया, अब बात करते हैं, तो समझ गए माइक्रो और वीवीए में फर्क समझ गए। अब बात करेक्ट करते हैं माइक्रो होता क्या है। तो यहां जो अभी माइक्रो रन किया, दैट कॉल माइक्रो, एक ट्रिगर, एक ऑटो पायलट। जैसे प्लेन को फ्लाई करना है तो ऑटो पायलट मोड ऑन कर देते हैं। ऑटो पायलट मोड एक क्या होता है, सिस्टम जनरेटेड प्रोग्राम होता है, जो कि सिचुएशन के हिसाब से कई सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, हाइट, लेंथ, स्पीड सब मेंटेन करता है, उसके अंदर सारा फीड होता है ना, सारे एल्गोरिदम। करेक्ट राइट तो उसी तरह से आप अपने सारे स्टेप्स को, जैसे मैंने यहाँ स्टेप फॉलो कर रखा है कि भाई वर्कबुक को ऐड करना, सेव करना, इस लोकेशन में इस 1 2 3 को मंथ में जैन फाइल में कन्वर्ट करके फाइल को सेव कर दो, फिर उससे डेट बनाओ, लास्ट डेट लो, लास्ट डेट से नंबर ऑफ डेज निकालो, फिर उतने शीट ऐड करो। अब शीट ऐड करना है तो चेक कर लो पहले शीट कितना है, उसको माइनस कर लो, फिर एक एक करके शीट को रिनेम करो, नेम के साथ उसका नंबर, डेटा और नंबर ऐड कर दो, जब फाइल हो जाए तो सेव करके क्लोज कर दो, फिर दूसरे फाइल पर वर्क करो। समझ गए? तो करेक्ट वो सारे लूप इंस्ट्रक्शंस 12 महीने को, हाँ, 12 बार लूप करेगा। इंस्ट्रक्शंस को, सारे प्रोग्राम को, मतलब स्टेप्स को मैंने यहाँ वीवी लैंग्वेज में डाल दिया। तो इसको एक लैंग्वेज की तरह देखिए, इसमें कोडिंग की तरह मत देखिए। अगर कोडिंग की तरह देखेंगे तो माइक कोड है, याद करना पड़ेगा, क्या हार्ड है, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, बहुत सी चीज हो रहा है। अब इसको एक लैंग्वेज देखिए, जैसे आप मराठी है आपकी, हाँ आपकी हिंदी है, आप फ्रेंच है, सीखते हैं ना, तो ऐसे सोचिए कि मुझे एक्सेल से बातचीत करना है। ठीक है, तो इस तरह समझिए। और ये जो इसको समझिए कि लैंग्वेज, हमने कुछ बोला कि वर्कबुक डॉट ऐड डॉट सेव एज, तो हमने उसको बोला कि भाई फाइल ऐड करो, उसको सेव एज करो। और वो फोल्डर का पाथ दिया उसको। हाँ, तो इसलिए आपको ये चीज ध्यान में रखनी हो कोड की तरह। तो ये कहलाता है माइक्रो, जो कि मेरे घंटों को काम को चुटकी में करता है, और बराबर 100% एक्यूरेसी के साथ। अगर मैं इसी काम को मैनुअल करूं, तो हो सकता है कि किसी महीने में मैं 31 की जगह पर 32 शीट डाल दूं, या फिर 29 शीट डाल दूं। करेक्ट गलती हो पॉसिबल सकती है ना, या एक ही नाम के 2 शीट लिख दूं, डेटा वन डाल दूं, एक ही नाम का 2 डाल दूं, ह्यूमन एरर तो हो सकते हैं ना, बट ये एरर नहीं करेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऑटोमेशंस चलते हैं कंडीशंस पे, नो कंडीशंस नो ऑटोमेशन। नो के ऑटोमेशन तौर पे मैंने यहाँ पे नाम लिखा सुजीत कुमार। अब कंडीशंस है कि लेफ्ट, मुझे फर्स्ट टेन लास्ट, लास्ट टेन को अलग करना। कंडीशंस है कि भाई स्पेस से पहले हमारा फर्स्ट नेम है, और स्पेस के पहले बाद में हमारा लास्ट नेम। लास्ट नेम है तो इस पे ऑटोमेशन वर्क किया, लेकिन मैंने लिखा सुजीत कुमार, इसको कैसे अलग करें? स्पेस नहीं है तो अलग करना। कोई कंडीशन है, स्पेस के जगह पे हाँ डैश हो, कैपिटल में हो सकता है, के कैपिटल में हो, क्या कुछ भी कंडीशन देना होगा ना भाई, कुछ लॉजिक देना होगा कि ऐसा होता करे, क्योंकि आप इसको आफ्टर मैनुअल भी फाइव करेंगे तो कैरेक्टर फ्रॉम आप लेफ्ट और 60% से ज्यादा नहीं, जो नाम आपने सुने हुए हैं, जो सरनेम आप सुने हुए हैं, उसी को ना आप अलग कर पाए।
बराबर है। या तो मिस आप ये पूछ रहे हो ना कि अलग कैसे कर पाएंगे इस वाले सेकेंड वाले कंडीशन में। हाँ मतलब नो कंडीशन नो ऑटोमेशन, आपको मैनुअल पढ़ के करना होगा और मैनुअल भी पढ़ेंगे, जो नाम आप सुने हुए हैं कभी पता देखा है वही कर पता है पाएंगे। वही अलग कर पाएंगे, कुछ ऐसा नया नाम आया तो कुछ आइडिया नहीं है, आप भी आपका जो है इतना बड़ा जो सर्किट है वो भी काम करना बंद कर जाएगा। देखिए ये तो कंप्यूटर छोटा सा है, क्या दिमाग के सामने इसका क्या औकात। करेक्ट। तो वहां पे भी वो फेल हो सकता है, तो हमें कंडीशन। तो इसमें क्या होता है कि अब कोई लोग बोलते हैं कि सर बीबीए सीखा तो लेकिन मेरा पूरा रिकॉर्ड ऑटोमेट नहीं होता, तो मैं पूछता हूँ कितना होता है, 50% हो जाता है, 50-60% तो हो गया ना। जरूरी थोड़े कि आपको डेली घर से ऑफिस जाना है तो आपका ट्रेन जो है आपके ऑफिस के बिल्डिंग से गुजरे, दैट्स करेक्ट। आधा किलोमीटर पहले छोड़ देगा, कम से कम आधा किलोमीटर पहले छोड़ रहा है ना आपको ट्रेन, वो भी हाँ ट्रेन छोड़ देंगे तो क्या होगा कि फिर आपको पैदल जाना होगा पूरा का पूरा। तो ऑटोमेशन ही होता है कि आपके पास कोई प्रॉब्लम आया तो जहां तक कंडीशंस हैं तहां तक तो हो जाएगा, तो जहां कंडीशंस नहीं है वहां तो ऑटोमेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो करेक्ट। नो कंडीशन नो ऑटोमेशन। अब हम बात करते हैं फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, हम अपने लिए खुद के फॉर्मूले बना सकते हैं, जैसे वीलुकअप एचलुकअप फॉर्मूले होते हैं ऐसे अपनी जरूरत के करेक्ट। हिसाब। अब इसमें भी हमारे स्टूडेंट्स बहुत सारे बोलते हैं कि सर ऑलरेडी इतने सारे फॉर्मूले बने हुए हैं उसको तो पढ़ा ही नहीं गया, आप कहते हैं नया फॉर्मूला बना लो। हम बोलते हैं नया फॉर्मूला अपने हिसाब से बना लो, जैसे वी लुकअप आप जानते हो तो वी लुकअप के साथ आप कंप्रोमाइज करते हैं ना कि दो सीटों से डेटा नहीं लेगा, दो से ज्यादा सीटों से डेटा नहीं लेगा, दूसरा रिपीटेड होगा तो पहला दिखाएगा सब नहीं दिखाएगा। बराबर है, सेकेंड एग्जैक्टली वैल्यू का कुछ नहीं दिखेगा वैल्यू। हाँ, तो इसलिए दिक्कत है। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वी लुकअप जैसा एक फॉर्मूला बना दीजिए जो कि आपकी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता हो। जो एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर्मूला नहीं कर कर सकते, वैसा हम लोग नया कुछ या बना कभी सकते कभी हैं। ऐसे फॉर्मूले हैं जैसे कि मान लीजिए इफ का फॉर्मूला है, अपग्रेडिंग सिस्टम मान लीजिए या इंसेंटिव मान लीजिए या फिर टैक्स का मान लीजिए कि भाई 5 लाख तक है तो 0, 5 से 10 है, तो ये हर कोई तो नहीं लगा पाएगा ना। तो आपके ऑफिस में बराबर है। आपके सर आपके नीचे 5-7 बंदे काम करते हैं, उसमें से 2 एक्सेल एक्सपर्ट है, 3 को एवरेज आता है, तो इतने लंबे फॉर्मूले पे हाथ खड़ा कर देंगे सर हमसे नहीं होने वाला है। तो उसको आप इस तरह का क्विक फॉर्मूला बना दो कि नीचे जरा कंडीशन लगा लेगा भाई तुम खाली अप्लाई करो इसको बस, हाँ बस। तो चीजें कर सकते हैं। दूसरा आता है इंटरफेस, मतलब कि यूजर फॉर्म, यूजर फॉर्म। जैसे कि पॉपअप बनाना है यहाँ पे, जैसे कि इस तरह का पॉपअप दिख रहा है, पॉपअप आया ना अभी, या मान लीजिए कि पिवट ही लगाते हैं तो पिवट का पॉपअप आया, तो इसका बेनिफिट क्या है समझिए, अगर पॉपअप ना होता सारा कमांड होता तो हमें 6 कमांड यूज करने पड़ते कि पिवट विथ न्यू वर्कशीट, रेंज विथ न्यू वर्कशीट एक बटन होता, रेंज विथ एग्जिस्टिंग वर्कशीट दूसरा बटन होता। बट यहाँ क्या हुआ कि हम अपने हिसाब से सेलेक्ट करके ओके कर लेंगे, उस हिसाब से हमारा बन जाएगा। उसी तरह से मान लीजिए कि आपने एक पैन इंडिया का रिपोर्ट को ऑटोमेट किया, तो उसमें अगर आपने आपके पास ऐसा कुछ करना है कि मुझे किस सिटी के अंदर किसी पर्टिकुलर सिटी के पर्टिकुलर मंथ के पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रिपोर्ट बनना चाहिए, तो ये जो तो पर्टिकुलर चीजें हैं वो तो रिपोर्ट की जरूरत के समय डिसाइड होगा ना, क्या पहले से जब कोडिंग वो में नहीं डाल रिपोर्ट सकते ना, एग्जी पहले से कोडिंग नहीं हाँ डाल सकते। एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट जब होगा तब तो देख हम इस सकते हो तरह और का डिसाइड कर पॉपअप, सकते हैं, इस तरह का एक पॉपअप बना देंगे कि यूजर अपने हिसाब से अपना रिक्वायरमेंट सेट सिलेक्ट करेगा और करेगा। ओके करेगा, और फिर ओके के ऊपर जो कोड्स होंगे उस रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख मतलब उस कंसिडर करते नेक्स्ट हुए उसके एक्शन हिसाब से ले बना, लेगा वो। ये जरूरी होता है। इसको इंटरफेस कहा जाता है, यूजर इंटरफेस, ताकि आप एक वैलिड एंट्री ले सके और उस वैलिड एंट्री के बिहाफ पे आगे कुछ कर सके। नेक्स्ट नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं। अब बात आती है कि वीवीए प्रोग्रामिंग यूज क्यों होता है, किसके लिए यूज होता है, मैंने कहाँ पे होगा कब होगा, मतलब कैसा। देखिए मैं हमेशा वीवीए को फर्स्ट नहीं लास्ट ऑप्शन मानता हूँ, मैं भी कहता हूँ कि आप हर काम को वीवीए के थ्रू करें। तो इसकी कुछ सिचुएशन है, जैसे रिपीटेड वर्क, ऐसा काम जो आपको डेली बेसिस पे करना पड़ता है, डेली उसके लिए घंटा 2 घंटा आप लगाते हैं, तो उसको आप ऑटोमेट कर,
ताकि आपका घंटा दो घंटा बच जाए। मान लीजिए दिन भर में आप 5 रिपोर्ट आपका बनाना है तो बनाना है, 5 रिपोर्ट के लिए 4 घंटा का टाइम आपका लग जाता है जो डेली रिपोर्ट्स है, तो उनको आप क्या करेंगे, ऑटोमेट कर देंगे। ऑटोमेट कर सकते। अब बॉस ने आपको बोला कि यार ये बताओ कल सेल कितना था, एक एग्जैक्ट फिगर मांग रहा है, आप ऐसे पिवट टेबल लगाएंगे भेज देंगे, चाहे फिल्टर लगा के भेज देंगे, अब उसके लिए लगे वीवीए कोडिंग करने, देता अगर कोडिंग करने उतारे तो बॉस खुद देख लेगा क्या। करेक्ट है, तो दूसरा, रिक्वायर्ड जहां पे सच हाँ में। दूसरा आता है रिपीटेड वर्क, लेंथी वर्क, एक ऐसा काम है जैसे अभी अभी मैंने बताया फोल्डर क्रिएशन का, वो एक बार का ही काम ठीक है, लेकिन 2-4 घंटा लग जाए। कोडिंग के जरिए हम कुछ मिनट में, 10 मिनट में हम कोडिंग कर दिए, रन कर दिए, वो कि अब सिर्फ, अब जो लेंथी वर्क होता है तो सिर्फ काम करना नहीं होता है, उसकी एक्यूरेसी भी देखनी पड़ती है। जैसे अभी जो करेक्ट। मुझे फोल्डर फाइल फोल्डर क्रिएशन का जो बताया मैंने आपको, तो अगर मैं बना लूंगा तो बनाने के बाद फिर 15-20 मिनट 4 घंटा लगेगा क्रॉस वेरीफाई करने में कि कहीं गलती तो ना रह गई ठीक है। और दूसरा, करेक्ट। अगर किसी को भेजा बना के दिया तो वो बोला कि यार सही यार तुमने गलत बनाए हो, तो आप दिल अंदर से धके यार कहीं गलती हो गई क्या क्या। लेकिन वीवी के थ्रू बनाया तो कॉन्फिडेंट कर यार, गलती होने का सवाल ही नहीं है क्योंकि क्या, पूरा पूरा ऑटोमेट किया हम लोगों ने। करेक्ट। ऑटोमेट किया है, गलती होने का सवाल ही नहीं है। जैसे कोई आपको मिस कॉल मारता है, आप कॉल बैक करते हैं, तो कहता है भाई मैंने कॉल नहीं किया आपको, तो आप कहते हैं यार मिस कॉल लिस्ट में तुम्हारा नाम है, मिस तो कॉल, कौन से बोले कि आपने कॉल नहीं किया। मीन्स बेसिकली कोई रेफरेंस होता है उसकी वजह से ही हम लोग उसको कॉल किए हैं ना। तो सेम वैसे ही है वीबीए का कर कि ठीक है, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट होता है। तो दो सिचुएशन, लेंथी वर्क और रिपीटेड। फिर आता है हम वीवी किसके लिए करेंगे, माने वीवीए प्रोग्रामिंग किसके लिए करेंगे। देखिए आप अपने लिए करते हैं तो आप धड़ल्ले से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप जो है वीवी प्रोग्रामिंग जो है अपने लिए यूज ना कर रहे, किसी और के लिए कर रहे, तो प्रॉब्लम। क्यों कि प्रोग्रामिंग, आप जब जाएंगे माइक्रो सिक्योरिटी में तो आप यहाँ चेक करेंगे कि माइक्रो सिक्योरिटी यहाँ डिसेबल है, डिसेबल होता है, मतलब जब भी कोई माइक्रो फाइल ओपन करेगा तो उसको सिक्योरिटी अलर्ट देगा। तो मान लीजिए कि आपने एक फाइल में माइक्रो लगा के 100 लोगों को भेज दिया, 100 में से मान लीजिए कि 40 तो माइक्रो के एक्सपर्ट है, वो समझ गए और अपना यूज कर लिए, 60 को माइक्रो पता नहीं, वो आपको तो फोन वो चलेगा करेंगे नहीं। यार तुम्हारे फाइल में तो प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी अलर्ट दिखा रहा है, समझाएंगे कि भाई माइक्रो लगा हुआ है, कोडिंग लगा हुआ है, ऐसा कोडिंग किया कोडिंग, फिर उसको आपको ट्रस्ट में लेना पड़ेगा, क्या बोलते हैं उसको महाराष्ट्र में, शीशे में उतारना पड़ेगा कि बोतल में उतारना पड़ेगा, ऐसे कुछ होता है। ज्यादा दिन में नहीं, मैं 1.5 साल बाद मुंबई रहा हूँ दहिसर में, और तो करना पड़ेगा। दूसरा चीज एक और आती है कि ये आपका माइक्रो सिर्फ चलता है डेस्कटॉप एप्लीकेशन, एंड्रॉयड पे चाहे वेब एप्लीकेशन पे नहीं चलता। तो कुछ ऐसे आपके होंगे ऑफिस स्टाफ बॉसेस जो कि ट्रेवल कर रहे होते हैं, या फिर उन सिस्टम यूज नहीं, टैब यूज करते हैं, तो उनके पास ये चीज नहीं चलेगा, माइक्रो प्रोग्रामिंग नहीं चलेगा। इसलिए अगर किसी और के लिए माइक्रो लगाएं तो ये हमारा लास्ट डिसीजन होना चाहिए कि जो काम माइक्रो से ना होने वाला है तभी माइक्रो इस्तेमाल करें, अदरवाइज इसमें माइक्रो इस्तेमाल करने को अवॉइड करें ठीक है। जैसे कि हमारे क्लियर, बिजनेस कुछ सिचुएशन है, जैसे कि अभी मैं तो SAP पे काम करता हूँ, बट बिजनेस बहुत यूजर्स ऐसे हैं कि SAP से रिपोर्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उसको मैन्युअली चेंजेस वगैरह करते हैं, जो भी उनके डेली चेंजेस है या मंथली चेंजेस है, उसके बाद फिर वो टैक्स अथॉरिटी को और इसको भेजेंगे। जी हाँ सही कहा। तो देखिए अब बात होती है कि डेटा आप डायरेक्ट SAP से इंपोर्ट कर सकते हैं, आप अगर जाते हैं इसमें तो इसमें, अच्छा इसमें नहीं है, पावर बीआई में, अदर सर्विसेज में नहीं, यहाँ ODBC वगैरह पे देख सक कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और नहीं है इसमें कनेक्शन तो हम लोग के। डायरेक्टली SAP को भी टेबल्स को भी कनेक्ट कर हाँ सकते हैं ऐसा। ACV से आप, हाँ ACV से, ACV के अंदर तो फीचर है, मैं ACV पे ज़्यादा दिन काम नहीं किया है, 2-3 महीने ही काम किया है ड्यूलक्स पेंट में,
ठीक है, लेकिन उस समय तरह की चीजें नहीं थी, लेकिन अब उसके अंदर ही बीआई आ गया है तो उसके थ्रू ले सकते हैं। हाँ एसएपी का खुद का बीआई है एक्चुअली, बट वो हाँ, डैशबोर्ड या जैसे डेटा देता बीआई है, का एक पिवट की पूरा तरह डेटा दे पूरा देता है। हाँ और पूरा नया रिक्वायरमेंट करके डेवलप करना पड़ता है। बट एक्सेल मैक्रोस कैसा है कि ये सिचुएशन में मुझे नहीं आती कि मुझे वो एक्सेल पे काम करना है, बट मेरे क्लाइंट बहुत एक्सेल पे काम करते हैं। आई थिंक अगर हाँ, मैं अगर देखिए सीखता हूँ तो पहले इट वुड चीज बी जान हेल्पफुल। लीजिए, पहले चीज जान लीजिए कि वीवीए के थ्रू आप करना चाहते हैं, लेकिन आपका वीवीए मात्र 10% यूज होता है। ऐसा नहीं कि आपका वीवीए से ही सब काम हो जाएगा। जैसे कि आपको कुछ रिपोर्ट्स में दिखाता हूँ, देखिए एक थोड़ा देर पहले भी इसको पढ़ाया मैंने, ये रिपोर्ट दिख रहा है आपको सर? हाँ ये रिपोर्ट डैशबोर्ड पिवट पूरा। टेबल्स, ये रिपोर्ट डैशबोर्ड्स बनाया गया, डेटा ये रहा, ये आपका सर्वर्स इस तरह का डेटा आया, डेटा डेटा को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया और फिर हम डैशबोर्ड पे हमारा बनाया। अब डेटा के साथ ये लिंक है पिवट, ये सपोर्ट में देखेंगे पिवट लगा हुआ, किसी एक पिवट डेटा यहाँ डालेंगे, किसी एक पिवट को रिफ्रेश करेंगे या फिर फाइल को रीओपन करेंगे, सारा चीज चेंज हो जाएगा। ठीक ओके है, तो ये चीज विदाउट वीवीए की गई है, वीवीए का यूज नहीं किया है। अब वीवीए का यूज का इसके अंदर वीवीए का यूज कहाँ होगा? देखिए इसके अंदर वीवीए का यूज होगा कि जो डेटा हम डालते हैं, तो डेटा मान लीजिए सही फॉर्मेट में नहीं है, मतलब कि किसी में प्रॉब्लम है, किसी में ब्लैंक ज्यादा है, तो उसको मैनुअली जो हम मुझे चेंज करके इस फॉर्मेट में लाना होता है, तो उस फॉर्मेट के लिए हम यूज करते हैं, कर सकते हैं अपना वीबीए।